हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल बोलिस्तान। आज की वीडियो में हम आयुष्मान खुराना के कंप्लीट करियर एनालाइज करेंगे, इनकी मूवीज के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, सभी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। विक्की डोनर से लेके एन एक्शन हीरो मूवी तक सभी मूवीज की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम अपना आज के वीडियो। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए आयुष्मान खुराना की डेब्यू मूवी का नाम है विक्की डोनर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, यामी गौतम, अन्नू कपूर, पूजा गुप्ता शामिल थे और ये फिल्म 20 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी। विक्की डोनर एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 7.8 स्टार दिए गए थे। विक्की डोनर मूवी का बजट था 10 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन के 35.5 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 55.97 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर विक्की डोनर एक हिट फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना की करियर की दूसरी मूवी का नाम है नौटंकीशाला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहन सिप्पी ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, पूजा सेल्वी, कुणाल रॉय कपूर शामिल थे और यह फिल्म 12 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई थी। नौटंकीशाला एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.8 स्टार दिए गए थे। नौटंकीशाला मूवी का बजट था 16 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 21.70 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 30.97 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर नौटंकीशाला एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की तीसरी मूवी का नाम है बेवकूफियां। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नूपुर अस्थाना ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर और ऋषि कपूर शामिल थे और यह फिल्म 14 मार्च 2014 को रिलीज हुई थी। बेवकूफियां एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। इस मूवी का बजट था 22 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 14.01 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 22.98 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर बेवकूफियां एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की चौथी मूवी का नाम है हवाई ज्यादा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विभू पुरी ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी श्रद्धा शामिल थे और यह फिल्म 30 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी। हवाई ज्यादा मूवी का बजट था 25 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 3.53 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 5.84 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर हवाई ज्यादा एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। आयुष्मान खुराना की करियर की पांचवी मूवी का नाम है दम लगा के हईशा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शरत राय कतारिया ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर शामिल थे और यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। दम लगा के हईशा मूवी का बजट था 14 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 30.19 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 43.50 करोड़ के और बॉक्स ऑफिस पर दम लगा के हईशा एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की छठी मूवी का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अक्षय रॉय ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, परिनीता चोपड़ा शामिल थे और यह फिल्म 22 मई 2017 को रिलीज हुई थी। मेरी प्यारी बिंदु इस मूवी का बजट था 22 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 9.59 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 17.34 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर मेरी प्यारी बिंदु एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की साथी मूवी का नाम है बरेली की बर्फी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऐश्वर्या अय्यर तिवारी ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सेनन शामिल हैं और यह फिल्म 18 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। बरेली की बर्फी इस मूवी का बजट था 20 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 34.55 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 58.55 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर बरेली की बर्फी एक एवरेज मूवी साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की आठवीं मूवी का नाम है शुभ मंगल सावधान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर एस प्रसन्ना ने। फिल्म की मेन लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर शामिल थे और यह फिल्म 1 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 25 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 43.11 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 65.64 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर शुभ मंगल सावधान एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की नवी मूवी का नाम है अंधाधुन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्री राम राघवन ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, तब्बू, राधिका आप्टे, अनिल धवन शामिल थे और यह फिल्म 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। अंधाधुन एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 8.3 स्टार दिए गए थे। अंधाधुन मूवी का बजट था 32 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 74.59 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 456.89 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर अंधाधुन एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की दसवीं मूवी का नाम है बधाई हो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी और सानिया मल्होत्रा शामिल थे और यह फिल्म 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। बधाई हो इस मूवी का बजट था 29 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 137.61 करोड़ के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 221.44 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर बधाई हो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की यादवी मूवी का नाम है आर्टिकल 15। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, नसर, मनोज पाहवा शामिल थे और यह फिल्म 28 जून 2019 को रिलीज हुई थी। आर्टिकल 15 एक ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 8.2 स्टार दिए गए थे। आर्टिकल 15 इस मूवी का बजट था 30 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 65.25 करोड़। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 91.79 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 15 एक हिट फिल्म साबित हुई।
आयुष्मान खुराना के करियर की 12वीं मूवी का नाम है ड्रीम गर्ल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज चंडालिया ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा और अन्नू कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट था 30 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 142 करोड़ 26 लाख के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 200 करोड़ 80 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ड्रीम गर्ल एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की 13वीं मूवी का नाम है बाला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम शामिल थे और यह फिल्म 7 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। बाला इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन की 116 करोड़ 80 लाख के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 171 करोड़ 48 लाख के और बॉक्स ऑफिस पर बाला एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की 14वीं मूवी का नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस मूवी को डायरेक्ट किया था हितेश केवलिया ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, गजराज राव शामिल थे और यह फिल्म 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 60 करोड़ 78 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 86 करोड़ 39 लाख के और बॉक्स ऑफिस पर शुभ मंगल ज्यादा सावधान एक एवरेज मूवी साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की 15वीं मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने। फिल्म के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, फारूक जफर शामिल थे और यह फिल्म 12 जून 2020 को रिलीज हुई थी। गुलाबो सिताबो जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो के जरिए ओटीटी पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट थिएटर्स पर रिलीज नहीं किया गया था। आयुष्मान खुराना के करियर की 16वीं मूवी का नाम है चंडीगढ़ कड़े आज की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिषेक कपूर ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, वानी कपूर, अभिषेक बजाज शामिल थे और यह फिल्म 10 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 30 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 27 करोड़ 48 लाख के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 37 करोड़ 64 लाख और बॉक्स ऑफिस पर चंडीगढ़ कड़े आज की एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। आयुष्मान खुराना के करियर की 17वीं मूवी का नाम है अनेक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, जेडी चक्रवर्ती शामिल थे और यह फिल्म 27 मई 2022 को रिलीज हुई थी। अनेक एक एक्शन थ्रिलर स्पोर्ट्स मूवी थी। IMDb 10 में से 6.5 स्टार दिए गए थे। इस मूवी का बजट था 47 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 8 करोड़ 15 लाख के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 10 करोड़ 89 लाख और बॉक्स ऑफिस पर अनेक एक डिजास्टर मूवी साबित हुई है। आयुष्मान खुराना के करियर की 18वीं मूवी का नाम है डॉक्टर जी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभूति केशव ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, कुलप्रीत सिंह, शेफाली शाह, शिवा चड्डा शामिल थे और यह फिल्म 17 जून 2022 को रिलीज हुई थी। डॉक्टर जी एक सोशल ड्रामा मूवी थी। IMDb 10 में से 6.6 स्टार दिए गए थे। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 26 करोड़ 45 लाख के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 40 करोड़ 71 लाख और बॉक्स ऑफिस पर डॉक्टर जी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। आयुष्मान खुराना के करियर की 19वीं मूवी का नाम है इन एक्शन हीरो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नीरो दैयर ने। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, अलेक्जेंडर गार्शिया, हिटन पटेल शामिल थे और यह फिल्म 2 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ का। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किए 10 करोड़ 89 लाख के। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 40 करोड़ 71 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इन एक्शन हीरो एक डिजास्टर मूवी साबित हुई है और यही एज एन एक्टर आयुष्मान खुराना के करियर की अभी तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो उनकी सबसे पहले आने वाली मूवी का नाम है ड्रीम गर्ल 2। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राज चंडालिया। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे और अन्नू कपूर, परेश रावल, राजपाल यादव आपको सपोर्टिंग कास्ट में दिखाई देंगे और साथ ही साथ विजय राज भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर आपको प्ले करते हुए दिखाई देंगे और एक कॉमेडी मूवी होगी जो कि आपको 25 अगस्त 2023 को थिएटर्स पर दिखाई देगी। आयुष्मान खुराना की दूसरी अपकमिंग मूवी का नाम है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अमर कौशिक। फिल्म के लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, समांता शामिल हैं और ये फिल्म आपको 2026 तक दिखाई दे सकती है और ये फुल हॉरर मूवी होगी। आयुष्मान खुराना ने अपने कंप्लीट करियर में 17 मूवीज में काम किया है जिनमें से उनकी 2 मूवीज ब्लॉकबस्टर, 2 सुपरहिट, 2 हिट, 2 सेमी हिट, 2 एवरेज, 1 बिलो एवरेज, 4 फ्लॉप, 3 डिजास्टर मूवीज साबित हुई है। उनकी 1 मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो व्यूअर ये था हमारा आज का वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने आयुष्मान खुराना के कंप्लीट करियर एनालाइज किया, उनकी सभी मूवीज के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके साथ शेयर किए। आयुष्मान खुराना की इन मूवीज में आपकी फेवरेट मूवीज कौन कौन सी है और आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवीज में आपको किन मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार है कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बोलिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।